हेलो गाइस। तो गाइस हम लोग आए थे जंगल में शूट करने के लिए, क्रिस का शूटिंग चल रहा था हम लोग का, और यहीं पे भाई लोग मिल गया। इन लोग भी वीडियोस बनाता है हम लोग जैसा, तो भाई लोग को भी सपोर्ट कीजिए। चैनल का नाम है पेप्सी का ढक्कन। तो गाइस नाम बहुत ही फनी है, पेप्सी का ढक्कन, और वीडियो भी बहुत फनी बनाता है। तो आप लोग जाके सर्च कीजिए यूट्यूब पे पेप्सी का ढक्कन, और भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेहनत करो इसी तरह से। देखा, इस बार हम फिर जीत गए। अरे यार तुम फिर से जीत गया, हट यार। तुम बार बार कैसे जीत जाता है? अबे गधो, तुम लोग अपना शरीर देखो और मेरा शरीर देखो, हम दिन भर कसरत करते हैं और ये देखो मेरे डोले सोले। हाँ हाँ वो तो देख ही रहे हैं। हाँ तो इसलिए मैं बोलता हूँ तुम लोग भी गधे तरह सोया मत रहो। जी सरदार, हमको भी आपके जैसा बॉडी बनाना है। ठीक है, तुम बॉडी बाद में बना लेना, पहले हम लोग का जो अधूरा काम है उसे पूरा करते हैं। जी सरदार। चलो भाई साहब, तुम लोग कौन हो? श्रीमान, आपके पास जितना भी पैसा है सब मुझे देने का कष्ट करे, मेरा आपसे ये निवेदन है। अबे तुम्हारे अंदर पंडित काटना कब से आ गया? अबे साले, तेरे पास जितना पैसा है जल्दी निकल। आप तो गुंडा के करैक्टर में आया है, जल्दी निकल पैसा। भाई साहब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। अबे साले, हम लोग क्या शक्ल से तुझे पागल लग रहे हैं? इतना महंगा महंगा कपड़ा, इतना बन ठान के निकला है, तो रईस बाप का औलाद होगा ना, और बोलता गरीब हूँ। अरे भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। वो तो अभी पता चल ही जाएगा। छोटे, तू इसका बैग चेक कर, आज से छोला का छोला भटरो भटरा हो ही जाए। ये कब निकला? अरे सांभा बेटे, ये नया वर्जन है यार, तू अपना काम कर। ओ अच्छा अच्छा। बॉस बैग तो खाली है। क्या, बैग खाली है? जी बॉस। मैंने तो पहले ही बोला था मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अबे साले, जब तू इतना ही गरीब है इतना बन ठन के क्यों निकलता है? अरे वो क्या है ना, मैं बन ठन किस लिए घूमता हूँ, ताकि लोगों को लगे मैं अमीर हूँ, जैसे तुम लोग को लगा। अरे यार हम लोग सुबह सुबह बकरा बन गए, चल चल के दूसरा मोहल्ला ढूंढते हैं। क्या हुआ? अगर तुम लोग को अमीर बनना है तो तुम लोग को मेरे एक मदद करना पड़ेगा। कैसी मदद? यहाँ से कुछ दूरी में एक जंगल है, वहाँ से हम लोग को खजाना लाना है। क्या खजाना? हम तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। ठीक है, यहाँ से चलते हैं मेरा घर, उसको वहाँ कपड़ा चेंज करके फिर जंगल चलते हैं। चलो ठीक है। चलो सरदार, अब हम भी जा रहे हैं बॉडी बनाने, मेरा भी बॉडी आपके जैसा बन जाएगा। हाँ हाँ, तुम अपना कसरत करते रहो, तुम्हारा भी बॉडी मेरे जैसा बन जाएगा। जी सरदार। और ये किसको देख, ये दिन भर साला सुतल रहता है। अबे साले गधे के तरह सुतल का रहता है, इसको देख ये अपना शरीर पे ध्यान दे रहा है, एक तुम सुतल रहता है दिन भर। उठ सरदार, इसका कुछ नहीं हो सकता है, दिन भर सुतले रहता है खाली। बोले सरदार क्या हुआ? जाओ जाकर वो अनमोल चीज देख कर आओ, वो सही सलामत है कि नहीं है। जी सरदार, अभी देख कर आते हैं। रुक जाओ। अरे क्या हुआ? वो देख बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, चल चल के पढ़ते। आ जाओ और तो बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? खतरा, सावधान, अंदर जाना मना है, जो भी जंगल में गया है वापस नहीं आया है।
अरे भाई इस बोर्ड पे लिखा हुआ है ना जंगल के अंदर बहुत खतरा है यार। अरे ऐसा कुछ नहीं यार, किसी ने जानबूझ के बोर्ड टांग दिया ताकि अंदर से कोई खजाना चोरी करके भाग न जाए। यार भाई वैसे जंगल देखने भी खतरनाक लग रहा है। अरे यार ऐसा कुछ नहीं यार, तुम लोग क्यों समझ नहीं रहा। अरे भाई देखना बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है यार। अरे यार तुम लोग करोड़पति बने कर भी ये बताओ। हाँ बनना है। हाँ तो चलो अंदर। चलो भाई जो होगा देखा जाएगा। तुम लोग बहुत डरता है यार, चलो। अरे यार तुम लोग इतना स्लो क्यों चल रहा है। तो कैसे चले बता दे। अरे यार तुम लोग का खजाना चाहिए कि नहीं। हाँ, हाँ, चाहिए। हाँ तो जल्दी चले तो ना खजाना मिलेगा। चलो खजाना ढूंढने के लिए चलो जल्दी। रुको भाई वो देख बच्चा यहाँ आओ। आ जाओ। हाँ बोल बे बाबा क्या हुआ। बच्चा अगर तुम लोग चारों इस जंगल से कुछ ले जाने आए हो तो मत लेके जाओ वरना जान से जाओगे। अभी भी समय है लौट जाओ। अबे चल चल तू अपना काम कर। बच्चा गौर से देखो उस लकीर को। अगर तुम लोग चारों में से कोई भी उस लकीर के उस पार गया तो उसका जान खतरे में जा सकता है, इसलिए अभी भी वक्त है लौट जाओ अपने घर। देखा देखा मैंने पहले बोला था ना ये जंगल बहुत खतरनाक है, मगर तू तो हम लोग का बात सुनता ही नहीं है। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, ये पागल बाबा इसके बात मत रहा, मैं चल के दिखा देता हूँ देख। बाबा बाबा आप तो महान हो, मुझ पापी को माफ कर दो। चलो ठीक है बच्चा मैंने तुम्हें माफ किया। बाबा बाबा हमें इस लकीर के उस पार जाना है, उस पार जाने के लिए हमें कोई रास्ता बता दो बाबा। चलो ठीक है बच्चा तुम लोग इस रास्ते से सीधा चलते जाओ, तुम लोग को एक पेड़ मिलेगा, उस पेड़ में बहुत सारा लाल रंग का कपड़ा होगा, तुम लोग एक एक कपड़ा अपनी कलाइयों पे बांध लेना। मगर क्यों बाबा। क्योंकि वो कपड़ा तुम्हारे लिए जंगल में एक रक्षक का काम करेगा। धन्यवाद बाबा अब हम लोग चलते हैं। सुनो बच्चा। क्या बाबा। अगर तुम लोग चारों को उस पेड़ के पास जाना है तो ये ताबीज लेना होगा। वो क्यों बाबा। क्योंकि उस पेड़ के पास जाने में बहुत सी कठिनाइयां है, उस कठिनाइयों से तुम्हें बस ये ताबीज ही बचा सकता है। ठीक है बाबा ये ताबीज हम लोग को दे दीजिए। ठीक है तो निकालो 500 रुपए। बाबा लेकिन हम लोग पास कैश नहीं है। कोई बात नहीं। पेटीएम करो। बाबा लेकिन ये तो फोन पे है। अरे बेटा वो मेरा पेटीएम है ना, दूसरे दुकान पे होगा, ले तू इसे पे मार देना। बाबा लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है। अरे बेटा मेरा काम ही है जंगल में घूम घूम कर सामान बेचना, ये ले पैसे मार जल्दी। ठीक है बाबा। ठीक है बाबा आपका पेमेंट चला गया। ठीक है बच्चा कलाई दो अपना। चलो ठीक है बच्चा अब तुम सुरक्षित हो। धन्यवाद बाबा अब हम लोग चलते हैं। बिंदास जाओ। सरदार वो अभी तक आया नहीं हमारा अनमोल चीज देखकर। क्या अभी तक नहीं आया वो। नहीं सरदार लगता उधर ही सो गया होगा फिर से, वो दिन पर दिन आलसी बनते जा रहा है, वो पता नहीं कहाँ रह गया। अरे भाई और कितना दूर चलना पड़ेगा, पेड़ है कहाँ। अरे यार वही तो देख रहे, पेड़ मिलेगा कहाँ पर। आगे होगा थोड़ा दूर, चल चल के देखते हैं। चलाओ। अरे यार ये पेड़ कहाँ मिलेगा यार। भाई, हाँ? अबे ये चुड़ैल तो इधर ही आ रही है। अरे मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार। तू क्या मत भाई मैं चला भाग। अबे अबे ये तो भाग गया यार। अबे ये तो इधर ही आ रही है। अरे भाई ये कैसे हो गया यार। पता ना भाई चुड़ैल हमने को छुआ था, हम लोग गिना चाहे चुड़ैल खुद गिर गई। भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। भाई मैं सारा खेल समझ गया। क्या सब इस ताबीज का खेल है भाई, इसका मतलब हम लोग के पास बहुत पावर आ गया। बहुत पावर आ गया।
चल भाई चुड़ैल के साथ जरा मनोरंजन किया जाए, जाओ। अरे भाई ये कैसे हो गया यार? पता नहीं यार कैसे क्या हो गया। अरे भाई जब शुरू में चुड़ैल हम लोग के पास आई थी तो उसे झटका लगा, और जब हम लोग उसके पास गए तो उसने हम लोग को पीट दिया। पता नहीं यार कैसे क्या हो रहा है यार। भाई वो नहीं पता, अब जा तू भी जाके मार। अरे नहीं यार मुझे नहीं, तू जा। अरे नहीं यार। अबे साले ये कैसे हो गया? सब मैं इसका खेल समझ गया। अबे कैसा खेल? अब तू देखते जा सिर्फ। छोटे तू एक बार जा तो वहां पे जा, जा तू डर मत, तू देखते जा तू क्या होता है। अरे यार वो फिर मार खा के आ रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं यार। अरे भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। अब तू देखते जा सिर्फ। छोटे चल मेरे साथ। नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। अरे तू चल तो कुछ नहीं होगा। मार चुड़ैल को। चला जा। आप समझा तू? हाँ मुझे सब समझ में आ गया। जब इस ताबीज का खेल है। हाँ क्या समझा बता जरा। मैं ये समझा ना कि जो जो इस ताबीज से चिपका हुआ रहेगा उसे कुछ नहीं हो सकता है। हाँ अब तू समझा। हाँ भाई उस चुड़ैल ने हम लोग को बहुत मारा यार। चल अब तू उसका बदला ले। चल आ जा पकड़ के रखना। हाँ हाँ चुड़ैल तूने हम लोग तीनों को बहुत तंग कर लिया, अब तू देख इसका अंजाम। भाई अब इस चुड़ैल का अंत हो गया, अब हम लोग बेफिकर हैं। अब हम लोग चलते हैं खजाने के पास। हाँ मगर उससे पहले हमें पेड़ के पास भी जाना है। हाँ सही बात। चलो चलो। अबे साले चुड़ैल नहीं थे हम लोग तीनों है। तुम लोग है, बच गया कैसे? अबे बहुत लंबा कहानी है। और साला डरपोक चल 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 ऐसे। बाबा ने जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही पेड़ है। सही बोला। हाँ और देख उस पे लाल रंग का कपड़ा भी है। चलो चलो। अरे भाई बाबा ने बोला था ना एक एक कपड़ा अपनी कलाइयों पे बांध लेना। बांध लो। सब लोगों ने बांध लिया ना। अब चलो अपने काम को अंजाम देते हैं। चलो चलो। रुक जाओ, अभी पता चल जाएगा कि वो बाबा सही बोले कि गलत बोले। रखो पैर। हाँ इस बार हम लोग को कुछ नहीं हुआ, लकीर भी पार कर लिए हम लोग। सही बोला, सब इस लाल कपड़े कमाल है। सही बोला। अरे क्या यार लाल कपड़ा का गुण गा रहा है, अपना काम पे भी ध्यान दो, खजाना ढूंढना हमें। सही बात। चलो बॉस मुझे टॉर्च मिला। अबे यार हम लोग यहाँ खजाना ढूंढना है बे, टॉर्च नहीं। बॉस खजाना ढूंढते समय रात हो जाए तो हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे, यही टॉर्च हम लोग काम देगा। ये बात भी सही है। लक्की चेक कर तो। अबे यार ये पत्थर पैसा बन गया, जा जा लेके लेके आ।
भाई साहब असली नोट है यार। अरे यार सब असली है। जला जला एक बार और जला। अरे भाई तूने पहला बार टॉर्च जलाया तो पैसा बन गया और दूसरा बार कुछ हुआ ही नहीं। सही बात बोले यार। चेक कर तो खराब नहीं ना हो गया। अरे भाई एक लेटर निकला। देख देख क्या लिखा है इसमें। ये एक जादुई टॉर्च है, इसका उपयोग केवल मंत्रों के द्वारा किया जा सकता है। इसका मंत्र इस जंगल के जंगलियों पास है, बिना मंत्र के ये सिर्फ एक ही बार काम करता है। अरे भाई इसका मतलब जादुई टॉर्च है यार। ये जादुई टॉर्च है, काफी पत्थर पैसा बन गया। हाँ भाई इसका मतलब हम लोग का मिशन मिशन खजाना नहीं, मिशन टॉर्च होगा। ये टॉर्च हो गया। हाँ सरदार, सरदार गजब हो गया। क्या हो गया सरदार? हमारे जंगल का वो अनमोल चीज गायब हो गया। क्या तुमको पता भी है तुम क्या बोल रहे हैं? जी सरदार हम सच बोल रहे हैं, हमें किसी भी हालत में वो अनमोल चीज हमें लाना ही होगा। जी सरदार आप सही बोल रहे हैं, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ा मुसीबत में फंस जाएंगे। जी सरदार चले ढूंढने के लिए। हाँ चलो। अबे रुको यार। क्या हुआ? अबे यार सबको एक ही जगह क्यों ढूंढ रहे हो? तो कहाँ से है? एक काम करो तुम लोग दोनों उधर जाओ, हम लोग दोनों इधर जाते ताकि जल्दी मिले। ठीक है चलो निकलो। आ जाओ। अबे सारे तू क्या सोच रहा है? अरे भाई मैं ये सोच रहा हूँ ना, अगर जादुई टॉर्च का मंत्र हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोग पास तो पैसा ही पैसा होगा। अबे यार पहले मंत्र तो ढूंढ ले, साला ख्याली पुला पकाने लगा, काम पे ध्यान दे चल। अरे तुम लोग अपना पैर हाथ जल्दी जल्दी चलाओ, अगर वो अनमोल चीज हम लोग को नहीं मिला तो बहुत बड़ा मुसीबत में फंस जाएंगे। जी सदा ढूंढते हैं। ढूंढो जल्दी। चलिए छीनते हैं। आ जाओ। सुन बे जंगली, चुपचाप इस जादू टॉर्च का मंत्र हम लोग को दे दे। अच्छा वो अनमोल चीज तुम्हारे पास है? बच्चा वो अनमोल चीज हमें दे दे, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अच्छा बुरा हो अभी हमारे साथ? सुनो बे लोग को मारो और इन सब मंत्र भी छीन लो। जाओ आक्रमण। शाबाश तुम लोग दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। अरे बॉस बहुत मारा जंगलियों ने बॉस हम लोग को। तुम लोग का बदला मैं लेता हूँ, अब तुम लोग देखो मैं क्या करता हूँ। कुछ करो बॉस। सरदार इसे भी मार खाने का शौक है, इसका भी इच्छा पूरा कर देते हैं। चलो you
अब बोलो क्या हुआ और तुम लोग का ये हाल किसने किया है? इन लोग को हम लोगों ने बांधा है। मगर क्यों? इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम लोगों ने इससे ही जादू टॉर्च का मंत्र मांगा था, लोगों ने नहीं दिया तो इन लोगों को पेड़ से बांध दिया। सरदार आपके पास तो इतना शक्ति है, आप इसे भस्म क्यों नहीं कर देते हैं? वो मंत्र मेरे पास है तो क्या हुआ? जब तक वो जादू टॉर्च मेरे पास नहीं है मेरा कोई भी शक्ति काम नहीं करेगा। अबे तुम लोग का बकवास खत्म हो गया तो मंत्र भी हमें दे दो, नहीं तो इसे जान से मार दूंगा। मारू क्या? नहीं नहीं नहीं, हम लोग को कुछ मत करना। रुको, इन लोग को कुछ मत करना, हम तुम्हें मंत्र देते हैं। ये लो छोटे मंत्र ले गया। पढ़ दो। अबे जंगली इस पत्र में तो कुछ लिखा ही नहीं है। ध्यान से देखो उस पत्र को, उसमें एक मंत्र लिखा हुआ है। ओ अच्छा अच्छा। मौसम है सुहाना, हमें हमारे घर है जाना, इस जादुई टॉर्च का ऐसा लाइट जला दे हमें हमारे घर पहुंचा दे। ला टॉर्च दे। सरदार ये लोग तो जादुई टॉर्च लेके चला गया, अब हम लोग को जल्दी से आजाद कर दीजिए। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। सरदार वो लोग तो हमारा जादुई टॉर्च लेके चला गया, अब हम लोग का क्या होगा? वो जादुई टॉर्च एक गलत हाथों में चला गया, उसे किसी भी तरह हमारे पास वापस लाना होगा। सरदार लेकिन हम लोग पास तब शक्ति भी नहीं है, हम लोग वो जादुई टॉर्च कैसे लाएंगे? तुम लोग उस जादुई टॉर्च का टेंशन मत लो, जो लोग उस जादुई टॉर्च को ले गया वो खुद आकर के हमें टॉर्च देके जाएगा, क्योंकि उस टॉर्च का उपयोग करना बच्चों का खेल नहीं है। सरदार हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया, जरा अच्छा से बताइए ना। ये समझने के लिए तुम्हें पहले इस वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। हेलो गाइस, दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा वो भी कमेंट में ही बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा और इस मेहनत का बस एक ही चीज से फल मिलेगा, वो है आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करें एंड बहुत सारा लाइक दें और कमेंट में हमारे किस कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया वो लिखे, ना कि गाली लिखे। तो पिछले वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसे भी जाके देखे। आगे बोले करो भैया। तो दोस्तों बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों हमारे पूरे YouTube फैमिली को हमारे ग्रुप की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।